हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क। आज की हमारी स्टोरी का नाम है द फॉक्स विदाउट अ टेल, एक लोमड़ी बिना पूछ वाला। सो लेट्स स्टार्ट। वन डे, एक दिन, अ फॉक्स, एक लोमड़ी, वॉज रोमिंग। रोमिंग यानी घूमना होता है, घूम रहा था इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में। इन अ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट यानी जंगल होता है। एक लोमड़ी खाने की तलाश में जंगल में घूम रहा था। अ हंटर, हंटर यानी शिकारी होता है। एक हंटर हैड लेड अ ट्रैप, ट्रैप यानी जाल होता है। एक शिकारी ने एक जाल बिछा के रखा था अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, द फॉक्स वॉज कॉट अप। कॉट अप मतलब वो पकड़ा जाता है, पकड़ा गया, लोमड़ी पकड़ा गया। इन द ट्रैप, जाल में पकड़ा गया। द फॉक्स बिगेन टू हीव, हीव हीव यानी उठाना। द फॉक्स बिगेन टू हीव इन ऑर्डर टू गेट आउट ऑफ द ट्रैप। लोमड़ी ने जाल से बाहर निकलने की बजाय वह जोर जोर से कूदने लगा। इन द स्ट्रगल, स्ट्रगल में, He lost his half tail. उसने अपनी आधी पूंछ खो दी। The fox felt extremely sad to lose his half tail. लोमड़ी को बहुत ही बुरा लगा उसकी आधी टेल खो के, या फिर हम कह सकते हैं कि उसने अपनी आधी पूंछ को खो के लोमड़ी को बहुत ही बुरा लगा। Not only this, यही नहीं, he felt small as well. He felt small यानी उसको मतलब छोटे का भी एहसास हुआ। He knew, knew मतलब जानना होता है। He knew, वह जानता था that कि every animal, हर प्राणी would laugh at him, laugh मतलब हंसना होता है, उसके ऊपर हंसेंगे। As for the foxes, लोमड़ियों के लिए, they would tease him. टीस यानी सताना कह सकते हैं हम, सताना होता है। दे वुड टीस हिम, उसे सताएंगे, कॉलिंग हिम अ टेल लेस फॉक्स, उसे बुलाएंगे बिना पूछ वाला लोमड़ी। सो इसीलिए ही थॉट, थॉट मतलब सोचना होता है, उसने सोचा। ही थॉट हार्ड, उसने बहुत सोचा, टू डू समथिंग कुछ करने का उसने बहुत सोचा। सून एन आइडिया स्ट्रक हिम, सुन यानी जल्द ही, एन आइडिया स्ट्रक हिम, उसे एक विचार आता है। ही थॉट, उसने सोचा, आई मस्ट परस्यूएड अदर फॉक्सेज टू पार्ट विथ दियर टेल्स। आई मस्ट परस्यूएड यानी वो लोमड़ी सोचता है कि मुझे समझाना चाहिए दूसरे लोमड़ियों को, टू पार्ट विथ दियर टेल्स, so that, ताकि they may not mock at me, mock यानी चिढ़ाना होता है, ताकि वे मेरा मजाक ना उड़ाए। I must persuade other foxes to part with their tails, so that they may not mock at me, मुझे दूसरे लोमड़ियों को समझाना चाहिए, to part, yes part With their tails, उनके tails के साथ part लेने के लिए, so that, ताकि they may not mock at me, वे मेरा मजाक ना उड़ाएं। So इसीलिए the fox decided यानी तय करना होता है। Fox ने, लोमड़ी ने तय किया to call a number of foxes यानी कुछ लोमड़ियों को उसने बुलाया, and talk to them और उनसे बात की। Accordingly, फलस्वरूप, ही इन्वाइटेड यानी उसने आमंत्रित किया अ लार्ज नंबर ऑफ फॉक्सेस, बहुत सारी लोमड़ियों को उसने आमंत्रित किया, टू हिज हाउस, उसके घर पर। देवर एंटरटेन्ड वेल, उनकी अच्छे से खातिरदारी की गई। एंड देन द फॉक्स सेड टू देम, और तब लोमड़ी ने उनसे कहा, ब्रदर्स भाइयों, लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। आई वॉन्ट, वॉन्ट यानी चाहना होता है। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, मैं तुम सबसे बात करना चाहता हूँ, ऑन ए सीरियस मैटर, एक
एक गंभीर समस्या पर मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, लोमड़ी ने कहा दूसरे लोमड़ियों से। वॉट इज इट, यह क्या है? लेट अस नो, हमें जानने दो। वी विल कंसिडर, कंसिडर यानी सोचना होता है, कंसिडर यानी सोचना होता है। वी विल कंसिडर इट, हम इसके बारे में सोचेंगे। फ्रॉम एवरी एंगल, हर तरह से सोचेंगे। इंडीड मतलब हम इसके बारे में वास्तव में हर तरह से सोचेंगे। सेड एन ओल्ड फॉक्स, एक बूढ़े लोमड़ी ने कहा। ईच ऑफ अस हैज़ अ टेल, हम सभी के पास पूँछ है। इट इज़ जस्ट अ बर्डन, यह एक बर्डन है यानी एक भार है। बर्डन यानी भार होता है। अ यूजलेस एडिशन टू द बॉडी, यूजलेस यानी बिना काम का, एक बिना काम का लत है हमारे शरीर का। विदाउट इट, इसके बिना ईच ऑफ अस कैन रन, रन यानी दौड़ना होता है। इसके बिना हम सब दौड़ सकते हैं, मच फास्टर बहुत ही ज़्यादा तेज दौड़ सकते हैं। टू चेस द प्रे, बेवकूफ़ बना के, प्रे यानी बेवकूफ़ बनाना होता है। बेवकूफ़ बना के हम इस बहुत ज़्यादा तेज भाग सकते हैं। सो इसीलिए इट इज़ एडविजेबल, इट इज़ सो इट इज़ एडविजेबल यानी यह उचित है, इसीलिए यह उचित है। दैट की वी शुड पार्ट विथ अवर टेल्स, हमें हमारे टेल्स के साथ पार्ट लेना चाहिए। दे लुक वेरी अगली, अगली यानी कुरूप कह सकते हैं हम, वे बहुत ही कुरूप दिखते हैं। एंड और आर वेरी हैवी एज वेल, और बहुत ही ज़्यादा भारी भी है। हैवी यानी भारी होता है यहाँ पर। आर्ग्यूड द फॉक्स, आर्ग्यू यानी बहस करना होता है। लोमड़ी ने बहस किया दूसरे लोमड़ियों से। द फॉक्सेस बिगेन टू लुक एट वन अनोदर, द फॉक्सेस यानी जो लोमड़ी को बुलाया गया था, उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखना शुरू किया। बट वन क्लेवर यंग फॉक्स, लेकिन एक चालाक और जवान लोमड़ी ने, हैड सीन दैट द फॉक्स वॉज टेललेस, उसने देखा था कि जो लोमड़ी ने, जिस लोमड़ी ने सबको बुलाया था, वो बिना टेल वाला था, मतलब उसकी पूछ नहीं थी। सो इसीलिए ही सेड, उसने कहा, एक्सक्यूज मी, हेलो सर, एक्सक्यूज मी सर यानी हेलो सर, आई एम श्योर, मैं पक्का हूँ, यू वुड नॉट हैव गिवन अस दैट एडवाइस, एडवाइस मतलब सलाह देना होता है। आई एम श्योर यू वुड नॉट हैव गिवन अस दैट एडवाइस, मैं पक्का हूँ कि तुम हमें सलाह नहीं देते। इफ़ यू हैड नॉट लॉस्ट योर टेल, अगर तुम अपनी पूँछ नहीं खोते। हियरिंग दिस, यह सुन के द फॉक्स फेल्ट अशेम्ड, अशेम्ड यानी शर्मिंदा होना कह सकते हैं हम। द फॉक्स फेल्ट अशेम्ड, लोमड़ी को शर्म आई। एंड रन अवे फ्रॉम देयर, और वो वह वहाँ से भाग गया। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी है, डू नॉट ट्राई टू बी ओवर क्लेवर, ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश ना करें। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।